गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना वो भी अबैंडन्ड कार्स के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अबैंडन्ड कार्स के ऊपर ही व्लॉग बनाए। तो कार्स के एक्सपर्ट एक मेरा दोस्त है, इस टाइम पे मैं उसके साथ मौजूद हूँ। अब लोग जुमे की नमाज़ पढ़ के निकले हैं और बिरयानी खाने वाले हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं सारी गाड़ियाँ। तो स्टे ट्यून्ड, बट मज़ा आने वाला है आज। और गाइज जो हमारा सबसे पहला स्टॉप है ना आज, वो इन भाई की एक गाड़ी थी, ये खड़ी है BMW। तो इसकी एक स्टोरी है, आप लोग अक्सर पूछते हो कि आखिर ये गाड़ियाँ क्यों अबैंडेंड होती हैं, क्यों खड़ी होती हैं, क्यों इनके ऑनर जो है इनको छोड़ देते हैं। तो इनकी भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है ना इस तरह पड़ी हैं कबाड़ होकर, प्राडो, ओडी, लैम्बर्गिनी तो नहीं खैर, मतलब BMW वगैरह और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो आज इनसे इसकी स्टोरी पूछते हैं, पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं फिर इसकी स्टोरी पूछते हैं आखिर इसका क्या रीज़न है। भैया जी BMW, ठीक है, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी सीरीज़ की है? 530i। ये है 530i, मॉडल कौन सा? ये 2008 मॉडल है, ठीक है, ये BMW की गाड़ी है। अच्छा जी, ये है जी इसका इंजन हो गया, सब कुछ हो गया इसका, बस ये लोगों को पता चल गया। अच्छा अब हमें ये बताएं ये क्या हुआ था, क्या स्टोरी है, क्या है इसके पीछे रीज़न? भाई यहाँ पे बल्दिया, एक तो अगर रोड के ऊपर गाड़ी अभी खड़ी हुई है थोड़ी सी मीठी पड़ जाती है, बल्दिया फोन उठा कर जाती है। अच्छा, कितने की खरीदी थी आपने ये गाड़ी सबसे पहले? ली थी 65,000 दिरहम की, ये इन्होंने खरीदी थी दो तीन साल पहले। अच्छा, ये इन्होंने खरीदी थी 65,000 दिरहम की यहाँ से दो तीन साल पहले, और ये बिल्कुल ठीक हालत में थी, बिल्कुल अच्छी हालत में थी, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी। ये सिर्फ और सिर्फ किसी ने आकर के इंट पैक के अंदर और शीशे तोड़ दिए, हमने इसकी पुलिस रिपोर्ट वगैरह करवाई हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट की जो इनकी पॉलिसी है, बल्दिया जो है इनकी यहाँ की दुबई की UAE की, वो स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। ये देखिए उन्होंने पूरा स्टिकर भी लगाया इसके ऊपर, ये बल्दिया म्यूनसिपलिटी का है, दुबई म्यूनसिपलिटी का। तो अच्छा, तो इसका ये सीन ये है, पिछला दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, लॉक है। अच्छा, इनकी गाड़ी में किसी ने मार दिए थी ईंटें, एक फ्रंट शीशे पे और बैक शीशे पे, बिल्कुल न्यू गाड़ी थी, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही थी जब इन्होंने खरीदी थी, किसी पुलिस वाले से खरीदी थी इन्होंने। तो आगे इसकी जो है ना डील भी हो गई थी सेल करने के लिए 90,000 दिरहम्स में उस टाइम पे, लेकिन जो है ना किसी रीज़न की वजह से वो नहीं सेल हो सकी उस वक्त, और किसी ने शीशा मार के आगे से और पीछे से इनकी गाड़ी दी तोड़। वो अभी भी ईंट इसके अंदर शायद आप नज़र आ रही हो, वो पड़ी है ईंट, तो किसी ने शीशा मार के तोड़ दिया इस गाड़ी को आगे पीछे से। तो इन्होंने पुलिस रिपोर्ट कराई तो उसमें टाइम लग गया, खड़ी रही, डस्ट पड़ गई तो बल्दिया उठा के ले गई। तो कितने पैसों में फ्री हो गया ये गाड़ी अभी? अभी इसका फाइन हमने भरा है 1381 दिरहम, 1380 यानी कि 1300-1400 दिरहम इसका फाइन पे करके इन्होंने ये गाड़ी वापस ली है। लेकिन अभी ये गाड़ी जो है ना इस हालत में है कि इसके 5000 दिरहम तक मिलेंगे बस स्क्रैप है। हां, वो भी इसका इंजन और गियर एल्युमिनियम का, इसकी वजह से। हां, अदरवाइज आम कोई भी गाड़ी होती है तो वो अगर इसके हालत में होती तो उसके 1,500 800-700 रुपए से, यानी कि अब ये इन्होंने 65,000 की ली थी अब, लेकिन इनके लिए बिल्कुल खत्म है। इस तरह और भी इनकी गाड़ियां हैं जो खत्म हुई पड़ी हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि अबैंडन्ड कार्स क्यों होती हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी स्टोरी इस BMW की, और इसके बाद देखते हैं और भी गाड़ियाँ काफ़ी सारी देखते हैं, लैम्बर्गिनी देखते हैं, लेक्सस देखते हैं, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखते हैं। तो ये इसकी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि लोग पूछते हैं कि यार आखिर क्यों यहाँ पे अबैंडन्ड होती हैं गाड़ियाँ, क्यों पड़ी होती हैं। तो सिर्फ यही वजह है कि जो ऑनर्स होते हैं इनके वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, और जैसे मॉडल नीचे आता है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो ये रीज़न है। ये रेंज रोवर से पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी मैंने, और गाइस ये जो रेंज रोवर खड़ी है इस टाइम पे ये मिल जाएगी आपको 20,000 दिरहम की, अगर किसी ने खरीदनी है तो परफेक्टली चलने की कंडीशन में है, मैंने अभी उसका पता किया सारा, तो ये बिल्कुल चलने की कंडीशन में और ज़बरदस्त कंडीशन में, इसका इंजन वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, और ये 20,000 दिरहम में मिल जाएगी ये गाड़ी। ये रेंज रोवर जो है इसका मैं आपको जो है ना सारी दिखाता हूँ, और उसके अलावा जो ये जितनी भी गाड़ियाँ ना ये इतने की हैं 10,000-15,000-20,000 दिरहम में सारी ये रेंज रोवर्स मिल सकती हैं। देखेंगे ये गाड़ी है बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रेश है, बिल्कुल कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश इंजन और सब कुछ 20,000 दिरहम्स में। अगर किसी को चाहिए तो मिल सकती है ये गाड़ी। ये है जी मेरी शहजादी है तेरी, ये खड़ी है, लाख नहीं खुलेगा, खड़े रहो तुम दोनों बाहर ही। राइट गाइस, तो अभी जो है ना रास्ते में जाते हुए इसने तो नहीं बताया, मैंने खुद देख लिया यहाँ पे रास्ते में जाते हुए हमें मिली है एक चीज। क्या चीज है ये भाई बताएं जरा? ये सुना है जी गाड़ियों की जेल है, ये है जी वो पॉइंट जहाँ पे ये सब लोग अपने
कुछ लोग गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। बल्दिया जो है ये लेके आई हुई है सारी गाड़ियां यहाँ पे। तो ये गाड़ियां सारी, तो अभी हम लोग देखते हैं गाड़ियां, छत खोल के आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं। और गाइस तो ये हैं सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं जो बल्दिया ने उठाई, जिस तरह इस भाई की भी गाड़ी है उठा के ले गए बल्दिया। ये हैं जी, ये इनके नंबर लगे हैं, इसकी ऑक्शंस होती हैं ये गाड़ियों के ऊपर, ये देखे नंबर लगे हुए हैं। ये और तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं अकेला ही कर रहा हूँ सारा कुछ। ये तो मस्टैंग खड़ी है, एक मिनट, ये खड़ी है, ये मस्टैंग खड़ी है, यही देखें। ये दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, छोटी गाड़ियाँ, किसी को चाहिए तो देखिए। अंदर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भी कोई स्पोर्ट कार खड़ी, लेकिन ओल्ड मॉडल है, और ये भी खड़ी हैं, ये खड़ी है। यहाँ पे सब ये गाड़ियाँ जो है ना ऑक्शन में खड़ी हैं, अब इसमें से मोस्टली लोग जो है ना ये गाड़ियाँ अपनी नहीं छुड़वाएंगे। तो इसमें लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हैं और मस्टैंग और सारी कारें इसमें खड़ी हैं, लेकिन अब जो मोस्टली मतलब ये देखें ना, अब काफ़ी टाइम से खड़ी हैं, मोस्टली लोग इनमें से नहीं छुड़वाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी कंट्री छोड़ के चले गए हैं, तो इस तरह ये गाड़ियाँ अबैंडेड होती है। तो यहाँ से हम लोग आके खरीद भी सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ना, जिस तरह ये गाड़ियाँ इन पर नंबर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ को चेक कर सकते हैं, उसके बाद ऑक्शन होती है इसकी और उसमें हम ये गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ये है बाइक जिसका ऊपर कोबरा लिखा हुआ है, इसके टायर्स के ऊपर पता नहीं इसका नाम क्या है। ये है जी मोटरसाइकिल है या जो भी कह लो इसको, चोपर कोबरा लिखा है टायर्स के ऊपर, और ये देख लें इसका लोगो है या जो भी है। यहाँ पे ये जो क्वाड बाइक्स कहते हैं जिनको, ये यहाँ पे ये सारी ये खड़ी हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखें हैवी बाइक, ये हैवी बाइक खड़ा है, होंडा का हैवी बाइक है, और ये भी जो है ना यहाँ पे अबैंडेंड खड़ा है, कबाड़ होकर खड़ा है। ये जो बगी खड़ी है जो पानी में चलती है, ये पानी वाली क्या कहते हैं इसको भी, कुछ ऐसी कहते हैं ये यामाहा की खड़ी है, और ये उसके अलावा ये सारी क्वाड बाइक्स हो गई। ये बंदा पकड़ा गया अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ, गड्डी पानी बुआ टूट के, खैर खैर। राइट गाइस, ये जी लैम्बोर्गिनी बिल्कुल ठीक है, कहीं से एक्सीडेंट नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है उसका। जी लैम्बोर्गिनी जो कि पड़ी है बिल्कुल कबाड़, डस्ट से कवर है, आपने देख लिया बाहर से भी बिल्कुल जबरदस्त है, अच्छी कंडीशन में, कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं है, और अंदर से भी इसकी कंडीशन अच्छी है। तो ये भी जो है ना अबैंडेड हुई पड़ी है, तो ये कंडीशन है जी यहाँ पे कार्स की। तो ये मेरे ख्याल से अगर किसी ने खरीदनी भी हुई तो उसको मिल जाएगी, ये 10-15 हज़ार दिरहम में मिल जाएगी। तो उसके अलावा आगे और चलते हैं और गाड़ियाँ देखते हैं। ये खड़ी है एक ऑडी, मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये कोई छोटी है गाड़ी, देखते हैं उसको। बिल्कुल सही है, परफेक्टली है ये, बस वो मतलब उसका जो दरवाज़ा है उसका ये वाला कवर उतरा हुआ है, बाकी सब ठीक लग रही है गाड़ी। ये देखें एक और गाड़ी देखिए, क्लासिक कार है ये, कॉर्डोबा इसका नाम है, चेक करें अगर क्लासिक गाड़ियों का आपका शौक है तो ये देखें, काफ़ी ओल्ड मॉडल गाड़ी है, और लेकिन कंडीशन इसकी जो है ना वो न्यू के न्यू टाइप है, न्यू लग रही है, मतलब शायद पेंट जॉब हुई है इसकी न्यू। ये देखें लुक वाइज थोड़ी सी ये रोल्स रॉयस का टच भी दे रही है आगे से, देखें ना, तो कॉर्डोबा है ये, मैंने तो वैसे इस ब्रांड का पहली दफ़ा सुना है,
और ये क्या लिखा हुआ है, और ये लोगो है इसका। एक और एरिया आ गया, वो देखें, वो वहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी, ये रेंज रोवर हो गई, और आगे जितनी भी गाड़ियाँ सारी की सारी अबेंडेंट खड़ी हैं दोनों साइड पे। ये देखें यहाँ पे एक ये BMW है, ये क्विकली आपको मैं दिखा दूँ, ये BMW 3 मेरे ख्याल से मिट्टी होगी, ये मिनी है कोई गाड़ी, छोटी गाड़ी है BMW की, कन्वर्टेबल रूफ के साथ। मर्सिडीज खड़ी है जो कचरे के अंदर खड़ी है, बिल्कुल कचरे के अंदर। ये देखें ये खड़ी है एक मस्टैंग, ये भी ओल्ड मॉडल की मस्टैंग है, लेकिन है तो मस्टैंग ना। ये देखें कन्वर्टेबल है, और ये अंदर से उसको देख सकते हैं आप लोग, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अबैंडेंट खड़ी है। ये भी होगी मेरे ख्याल से 10,000 दिरहम में भी नहीं, 10,000 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5,000-6,000 दिरहम की होगी। उसके आगे BMW और काफ़ी सारी गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं, ये फॉर्चुनर खड़ी है, ये भी कबाड़, सब कुछ कबाड़ होकर खड़ा। ये देखें गाइस कायदे आज़म की गाड़ी भी यहीं खड़ी है। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल है। इसमें सबसे फनी पार्ट इसका ये है कि एक तो इसकी आंखें बिल्कुल नहीं, और दूसरा ये देखें इसका हॉर्न चेक करें कैसा है। ये जो बाजे नहीं होते वो ऐसे हैं वैसे ही। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये अंदर, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ख़त्म हुई खड़ी है, इसकी गाड़ी का नाम पता नहीं क्या है। ये खड़ी है निसान GT-R, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में, और जैसे कार्बन फाइबर है सारा इसके ऊपर, ये सिर्फ इसका बम्पर यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, बाकी सब परफेक्ट कंडीशन में है। और राइट गाइज ये देखें ये खड़ी है BMW, ये आप इसका लोगो देख सकते हैं, BMW खड़ी है, ये भी बिल्कुल कवर है डस्ट के अंदर, और बिल्कुल कबाड़ है, ये लॉक है इस टाइम पर। ये देखें 750 BMW, बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल नहीं है ये। उसके बाद ये खड़ी है एक मस्टैंग, उसके अलावा ये खड़ी है एक मस्टैंग, ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल लग रहा है, लेकिन ये भी डस्ट के साथ कवर है। ये देखें प्राडो वगैरह बहुत सारी खड़ी हैं, प्राडो लैंड क्रूजर, लेकिन उनकी मैं वीडियो बना रही था, इससे देखें ये चेक करें गाड़ी कौन सी है। ये वो नहीं है GTY सिटी में हम लोग गेम खेला करते थे, इसमें 8 साल से मुझे लगी गाड़ी, चेक करें। ये रेंज रोवर का हाल कंडीशन चेक करें, ये रेंज रोवर खड़ी है, जगुआर खड़ी है, और ये हुंडई खड़ी है, जगुआर और हुंडई जो है ना दोनों, हुंडई तो मेरे ख्याल से आगे से एक्सीडेंट हुई है। हाँ ये देखें एक्सीडेंट है वो भी दोनों, इसका सिर्फ बम्पर ही मिसिंग है, बाकी तो पूरी, और वो मस्टैंग और जगुआर भी ख़त्म, साथ मर्सिडीज। गाइस ये है जी कैमरी, ये क्विकली खड़े हुए हैं, ये भी उस भाई की कैमरी है, हसनैन भाई की कैमरी है, ये खड़ी है, ये भी न्यू थी, ये भी बल्दिया उठा के ले गई थी, और अभी ये यहाँ पे खड़ी है, तो इसको चेक कर लेते हैं। और ये तो बंद है यार, ओए ओए बंद है, ये बंद है गाड़ी, बंद है। हाँ चलो, चाबी किधर है? चाबी रूम पे पड़ी होगी। और गाइस ये कैमरी है, ये भी अबैंडेड हो गई है, मेरे ख्याल से 14-15 मॉडल कौन सी है, लॉक हुई पड़ी है, नहीं तो आपको खोल के दिखाया था मैं यहाँ से। ये देखें क्या कंडीशन इसकी हुई पड़ी है, खड़ी हो के भी इसकी पे जो है ना डस्ट जम गई है। और चलो ऐसे पूछते हैं कितने की ली थी और अब कितने की अगर किसी ने खरीदनी हो तो मिल जाएगी। हसनैन भाई बताएं ये गाड़ी आपने कितने खरीदी थी और इसकी क्या है इसके पीछे सारी भाई इसकी हिस्ट्री है कि ये हम लोगों ने ली थी ऑक्शन से 35,000 दिरहम की, ठीक है, और एक्सीडेंट थी गाड़ी, साइड से इसको बनवाया, इसका एक दरवाजा एक साइड खत्म थी इसकी, ठीक है, पूरी रिपेयर करवाई, 15,000 दिरहम का इसका सामान डाला, ठीक है, तो तकरीबन 40,000 में पड़ गई, 50,000 की पड़ गई, उस टाइम 65,000 इसकी मार्केट थी, ठीक है। तो खैर इस गाड़ी के पेपर हमें ऑक्शन वालों ने नहीं दिए, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी रह गई, वो आजकल करते करते 2-3 साल निकल गए, लिहाजा इस वक्त इस गाड़ी की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, अगर जो गाड़ी होती है सही कंडीशन में वो मिल जाती है तकरीबन कोई 20,000-25,000। नहीं नहीं इसकी ये जो मॉडल है ये मेरे ख्याल से 10,000 दिरहम तक मिल जाता है ये वाला मॉडल। नहीं 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 वो टैक्सी मिलती है, जो मैं आपको सही गाड़ी बता रहा हूँ ना वो टैक्सी, क्योंकि ये टैक्सी इसके अंदर टैक्सियाँ आती है ना कैमरी के अंदर जो टैक्सी होती है वो 10,000-12,000 दिरहम में टैक्सी मिल जाती है। दो बल्कि अपने अभी रिसेंटली ली थी कैमरी, नहीं 2014 मॉडल वो हमने ली थी 13,500 की, और बिल्कुल एकदम सही थी गाड़ी, दुबई टैक्सी थी, ठीक है, RTA की,
तो वो हमने खैर उसको पेंट शेंट दोबारा करवाया उसके ऊपर, ये वो सारा कुछ करा के हमें 17,000 की पड़ गई है लिहाजा। लेकिन उसका पेपर वही मसला है अभी तक नहीं। अच्छा ये क्या ऑक्शन वाले भाग गए, क्यों रीजन क्या है, ऑक्शन की वाले क्यों नहीं देते इसके पेपर्स? इनका ये होता है कि इनका कोटा वोटा इनका होता है आगे से, इनकी मतलब है कि बस जिसने आपसे मैंने कोई चीज ले ली और पैसे रख लिए इस्तेमाल कर लिए और इन्होंने फिर उसके बदले उसके मुताबिक ऑक्शन ये गवर्नमेंट करवाती है कोई और करवाता है? नहीं, यहाँ पे प्राइवेट ऑक्शन हैं और गवर्नमेंट की भी होती है ऑक्शन बल्दिया की, लेकिन ये जन से हम लोग गाड़ी लेते हैं वो प्राइवेट ऑक्शन होती है। ठीक है, ये भी हमने प्राइवेट ऑक्शन से ली थी। कोपार्ट बहुत फेमस ऑक्शन है, इसका नेट के ऊपर भी बड़ा आप देख सकते हैं, अमेरिका की यूएसए की ऑक्शन है ये। ठीक है, तो बहरहाल हमें इसके 3 साल बाद पेपर मिले। अब इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना इस कंडीशन में एज इट इज मैक्सिमम 7,000-8,000 तक बिकेगी है। अभी तक हमें इसका 6,000 का रेट लग चुका है, उसी ऑक्शन में द्वारा भेजी थी बेचने के लिए, लेकिन 5,500 रेट लग रहा था। ये देखें इसकी कितनी महंगी गाड़ी ली थी और उसके बाद ये खत्म हो गई। इन्होंने और भी काफी सारी थी गाड़ियां जो ऐसी 5 लाख दरम जेन्युइन अमाउंट थी जो हमने यहाँ पर गाड़ियां लेकर खड़ी की हुई थी, और बल्दिया की और यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह से भी, और साथ कुछ लापरवाही, कुछ हमारी अपनी लापरवाही। और तो बेसिकली ये कि हमारा 5 लाख दरम की जो ओरिजिनल हमारी अमाउंट थी जो हमें गाड़ियां ली हुई थी वो बर्बाद हो गई, और गिनती के इस वक्त अगर अब सेल भी कर देने से, कि आपने BMW देखी पिछली वीडियो में, और अब ये कैमरी है, ऐसे ही हमारे पास एक और BMW है और 2 अल्टिमा है और प्राडो भी थी, प्राडो भी थी और वाल्वो भी थी और मज़दा वैन भी थी, बहुत सारी गाड़ियां थी। बहरहाल अभी बस समझ लें कि इसकी वैल्यू पाकिस्तानी तकरीबन जो हमने 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां रही खड़ी की हुई थी हमारी एसटी अमाउंट जो थी, इस वक्त हमें उनका कोई 10 लाख भी नहीं मिलने वाला। नहीं 10 लाख, मतलब मेन बात यह है कि न्यू गाड़ी की यहाँ पे वैल्यू जिस तरह एक हर साल उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। अब जिस तरह आप हमारे जो गाड़ी हमारी देख रहे हैं जिस तरह की ये मौसम भाई की गाड़ी है सर, और यहाँ पर ये हालात है गाड़ियों के कि आप 0 मीटर गाड़ी ले जाए और 0 मीटर वाली गाड़ी अगर लेते हैं तो 53,000 की है, 0% आपको सूद देने, 1% भी सूद नहीं देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हैं 500 या 300 या 800 रुपए मंथली के ऊपर। और वो भी बताएं जो पाकिस्तान लाने के बारे में पूछे थे उनका डिटेल देते चले, पाकिस्तान में 3 साल पुरानी गाड़ी एक तो ला सकते हैं हम लोग, यानी कि जो भी ईयर चल रहा है अभी। अच्छा, इंडिया का हमें कंफर्म नहीं है, इंडिया वाले कितने साल पुराने तक मतलब अलाउ करती है उनकी गवर्नमेंट, लेकिन शायद 3 से 5 साल तक। हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो 3 साल से पुरानी गाड़ी मतलब लाना अलाउ नहीं करती, इसलिए यहाँ से हम लोग 3 साल पुरानी गाड़ी लेके जा नहीं सकते। और उसके अलावा बात ये कि यहाँ पे है लेफ्ट हैंड और पाकिस्तान में हम लोग इंडिया में राइट हैंड चलती है, पाकिस्तान में राइट हैंड चलती है ड्राइव, तो उसके लिए फिर वो पूरा मतलब उसका इंटीरियर चेंज करवाना पड़ेगा, वो हो जाता है कोई उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें भी फिर मतलब कॉस्ट आती है। वही चीज है कि पाकिस्तान के अंदर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान गाड़ी जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जिस तरह सब वीडियोज में मौसम महीने को बताया रेंज रोवर्स और 20,000 दरम पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपए बनता है। तो अब रेंज रोवर पाकिस्तान के अंदर 4-5 लाख में मेहरान नहीं मिलती, टूटी हुई मिलती है, और रेंज रोवर आप एक लग्जरी कार है और बहुत जबरदस्त और पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ रुपए की है। ठीक है, तो ये मॉडल न्यू तो मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, तो मतलब जो तो बात करने का मकसद सारा ये है कि पाकिस्तान हमारी जो ड्यूटीज हैं बहुत ज्यादा हैं, बहुत 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 ज्यादा हैं, इंडिया का पता नहीं है कितनी है कितनी नहीं, और उसके अलावा यहाँ पे जो है गाड़ी आप लोगों ने यहाँ पे खरीदनी है यहाँ पे करनी है तो कुछ कर सकते हैं, और फिलहाल हम लोग सिर्फ घूमे हैं यहाँ पे तकरीबन इंडस्ट्रियल एरिया जो अजमान की इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें ये गाड़ियां खड़ी हैं। पाकिस्तान में जो लोग जिसको जिसको सौराब साइकिल नसीब होती है वो लोग यहाँ पे आकर गाड़ियों पे और प्राडोस के ऊपर घूम सकते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे अब गाड़ी बहुत ज्यादा सस्ती है पाकिस्तान में, जो मतलब बाइक खरीद लो और यहाँ पे गाड़ी खरीद लो एक ही बात है, और यहाँ पे वो गाड़ी मिलेगी जो पाकिस्तान में 40-45 लाख की, एक कैमरी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कितने लाख की है, 70 लाख की कैमरी है, तो यहाँ पे ये देख लो 2-4 लाख की, अभी मतलब डिपेंड ऑन द कंडीशन, ये जो इसकी कंडीशन अभी है या फिर जो मार्केट इस कंडीशन के अंदर ये पाकिस्तान में खड़ी हो, इसका खाली इंजन पाकिस्तान में ले जाए तो तकरीबन 3.5-4 लाख का इंजन है खाली इसका इंजन होगा, क्योंकि इंजन इसका मेरे ख्याल से है भी न्यू, इतना ज्यादा चली हुई है, 1,12,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और ये और उसके अलावा भी आप और आगे वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि भाई ने मेरे साथ वादा किया है कि ये अब नेक्स्ट टाइम चलेंगे ऑक्शन पे में चलेंगे इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी हमारी ऑक्शन की, वहां जाएंगे, वहां जाके देखेंगे गाड़ियों की नीलामी दिखाएंगे, गाड़ियां कितने कितने की बिक रही हैं ऑनलाइन, कितने की बिक रही हैं, यानी कि वहां पे लाइव कितने की बिक रही हैं और क्या उसकी कंडीशन है गाड़ियों की, और मतलब जो अभी मॉडल्स हैं, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एक ऐसे में बैठा हूं सारे
टायर रिलैक्सेशन के लिए, तो साथ लिए आपने चाय चाय दिखाओ ज़रा, और साथ में ड्राई फ्रूट, और उसके अलावा जो हसनैन भाई जो है यहाँ पे वो वीडियो बना रहे हैं, सुपर स्टार गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और किस टाइप की वीडियोस आगे और देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब भी मैं पूछता हूँ यही कहते हैं अबैंडन्ड कार्स को ही चाहिए वीडियो, अगर उस पर चाहिए तो बताएं, क्योंकि एक तो ऑक्शन में बस फिर हाथ ला रहा हूँ एक तो ऑक्शन एक तो ऑक्शन में जाएंगे, और उसके अलावा और भी गाड़ियों की अगर बनवाना मतलब आप चाहते हैं देखना, तो फिर और क्या व्यू है यहाँ से यार।